श्रीकाल दोस्तों, आज थोड़े लिए नवी वीडियो लेके आए हैं कन्वेयंसिंग दी। सब तो पहला तो जिन्हें वीर ने चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया वो चैनल नू सबसक्राइब कर लो, तो वीडियो नू वध तो वध लाइक ते शेयर करो ता जो थोड़े लिए नवी अपडेट्स लैके आते रहिए। सो अज आप गल करते हैं कन्वेयंसिंग दी, ये किस रिलेटड काम आती है ते कदों काम आती है। सो ये बारे थोनू अज दसदे आ। कन्वेयंस का मतलब हुंदा है भी किसी भी चीज़ को ट्रांसफर करना, मतलब कोई जमीन का जा प्रॉपर्टी का जा बिल्डिंग का किसी भी चीज़ का तुसी कह सकते हो उन्हों ट्रांसफर करने वास्ते कन्वेयंसिंग यूज किया जाता है। तो कन्वेयंसिंग इज़ द आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स वेयर बाय लैंड और इंटरेस्ट इन लैंड दैट इज़ मूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय वन परसन टू अनदर परसन। ये की है, ये एक आर्ट है ड्राफ्टिंग ऑफ डीड्स की, मतलब कोई भी एग्रीमेंट हुंदा है ते जो डॉक्यूमेंट्स हुंदे है उन्हों इमूवेबल जिहड़ी प्रॉपर्टी हुंदी है उहदी उन्हों ट्रांसफर किया जाता एक परसन तो दूजे परसन। ठीक है, इट इज़ एन एक्शन और इट इज़ अ वे बाय विच एन इंस्ट्रूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय विच टाइटल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसपोर्ट व्हीकल एक्सेट्रा। एक एक्शन है और एक वे है, तरीका है, जिहड़ा कोई भी टाइटल होगा उन्हों ट्रांसफर करना किसी प्रॉपर्टी नू ट्रांसफर करने वास्ते जो ट्रांसपोर्ट होगी जां व्हीकल हो गया उन्हों प्रिपेयर करने वास्ते एक तरीका है जो डॉक्यूमेंट्स ने। यह अगे आ गया सैक्शन 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जिहड़ा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है उहदा एक्ट है 1882, ये सैक्शन 5 दे अंडर आ गया। इहदे विच की है, कन्विंसिंग इज़ एन एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग एंड प्रॉपर्टी। जिहड़ा कन्विंसिंग है इहदा एक्ट है ट्रांसफर ऑफ किसी भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करन दा, वैदर इट इज़ मूवेबल और इमूवेबल, मतलब भी ये एक तरह फिक्स है जां ये मूवेबल है, दोनों प्रॉपर्टियां नूं ट्रांसफर करने वास्ते फ्रॉम वन परसन टू अनदर परसन, भी एक परसन तो दूजे परसन के नाम से, बट ये परमिटेड बाय कस्टम्स कन्वेंशन एंड लॉ विद द लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, पर यह लॉ दे अंडर रह के कस्टम्स कन्वेंशन ते जिहड़े अपने देश दे लीगल स्ट्रक्चर आ उहदे अंडर ही ये ट्रांसफर होगी एक परसन तो दूजे परसन दे। ट्रांसफर मे बी बाय सेल, बाय लीज, बाय एक्सचेंज और बाय विल। ये ट्रांसफर है वो सेल दे रूप च भी हो सकती है, लीज दे च भी हो सकती है, एक्सचेंज भी हो सकती है, तो बाय विल मतलब इच्छा दे अकॉर्डिंग भी हो सकती है अपने। अगे आ गए ये कंटेंट्स, कंटेंट्स ऑफ कन्वेयंस डीड, मतलब ये की कंटेंट्स ने। द एक्चुअल डीमार्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब डीमार्केशन का मतलब हुंदा है ए कोई भी बॉर्डर ला लो जा लाइन ला लो भी जिहड़ी दो चीज़ां सैपरेट करती है, जिवें कोई काम हो गया जा ग्रुप ऑफ पीपल हो गए जा एरिया ऑफ लैंड हो गया उन्हों किसी चीज़ नू डिवाइड करना उन्हों डीमार्केशन कहा जाता है। ये डीमार्केशन किसी प्रॉपर्टी नू डिवाइड करने वास्ते हुंदी है। अदर राइट्स अनैक्सड टू द प्रॉपर्टी एंड द राइज, अनैक्सड मतलब हुंदा कोई भी जिवें पोजैशन लै लिया किसी चीज़ का, कब्जा लै लिया सपोज किसी भी एरिए का ज लैंड का धक्के राइज करने वास्ते उहदे राइट्स हुंदे ने। ठीक है, अगे आ गया फुल चेन ऑफ टाइटल्स दैट इज ऑल लीगल राइट्स अप अंटिल द प्रेजेंट सैलर, जिहड़ा प्रेजेंट सैलर होगा वह उन्हां दी एक चेन हुंदी है टाइटल्स नूं, मतलब कोई भी जिहड़े भी डॉक्यूमेंट्स होणगे, जो सपोज करो एक परसन ने किसी तो लैंड खरीदी है बट वो परसन ने गाह अगे किसी तो लई सी, जिहड़े वो डॉक्यूमेंट्स होणगे वो सारे वो ट्रांसफर किए जाएंगे अगले थर्ड परसन के नाम पर। द मैथड ऑफ डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी टू द बायर, मतलब किस तरीके प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। ठीक है, एनी फर्दर एप्लीकेबल टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द फुलफिल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट्स, मतलब केड़िया टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल होनगियाँ कि फुल ट्रांसफर करने वास्ते भी ओनर के नाम से।
अगे आ गया ऑबजैक्ट ऑफ कन्वेयंसिंग, मतलब ये की ऑबजैक्ट ने, ठीक है। टू कन्वे द परफेक्ट टाइटल, मतलब भी जिहड़ा टाइटल होगा मेन, किसी भी चीज़ को आप सपोज किसी भी चीज़ को आप सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, वह एक मेन टाइटल होगा, लैंड का नाम होगा या बिल्डिंग का या कंपनी का, उसनू आप ट्रांसफर वास्ते उसका मेन टाइटल होगा, ठीक है। टू सैटल द कन्फलिक्टिंग क्लेम्स बिटवीन द पार्टी, मतलब जिहड़ियां दो पार्टीज होणगियां उन्हां दी आपस च सैटलमेंट करवाउण वास्ते, ठीक है। टू अफर्म द अटेंशन ऑफ द पार्टीज, जिहड़ियां जदों भी वो एग्रीमेंट होगा उन्हां दोवां पार्टियाज दी अटेंशन होनी बहुत जरूरी है इस विच। इट इज़ हेल्पफुल टू द कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल, मतलब कल नूं कोई भी जेकर एग्रीमेंट दे विच उन्हां दा आपस दे विच डिस्प्यूट पैंदा है तो वो कोर्ट दे कोर्ट नूं हेल्पफुल है वी, उह कोई भी आप लीगल हेल्प लै सकते हो आप एग्रीमेंट उत्थे पेश करके। इट इज़ द बेस्ट एविडेंस एडमिसिबल इन लॉ, ये एक बहुत वधिया अपने कोल एविडेंस है, प्रूफ है कोर्ट दे विच आपां नूं सबूत पेश करन वास्ते। टू सेव द टाइम एंड एक्सपेंस ऑफ द पार्टीज, मतलब दोवां पार्टियां दा टाइम ते उहनां दा एक्सपेंस, मतलब पैसे बचाउण वास्ते एक बहुत वधिया तरीका है। सो जल्दी मिलते हैं अगली नवी वीडियो लैके, सो चैनल नूं सबसक्राइब कर लियो ते वीडियो नूं वध तों वध लाइक कर लियो। थैंक यू।